सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा बनाए कि ब्यूटीफुल से डिजाइन अगरखा का जो कि बहुत ही फेमस है। तो हमने सबसे लिए पहले लिए फ्रॉक की पेटी जो कि आप देख सकते हैं, और हमने मेजरमेंट भी करी है इसके साथ साथ फ्रॉक की पेटी की कितनी की होनी चाहिए फ्रॉक की पेटी। और इसके साथ इसके बाद हम लेंगे इसकी फ्रॉक की चोली जो कि हमने ट्रिपल में वो करी है फोल्ड, क्योंकि मुझे आपको ये दिखानी थी। और जो इसकी विथ होगी चोली की वो होगी डबल टू विथ ऑफ पेटी। ओके, पेटी की डबल होगी और लेंथ आप देख सकते हैं। ये है हमारी एक्स्ट्रा पेटी जो कि हम नेक में अटैच करेंगे, और ये है स्लीव्स जो कि हम कटिंग करी हुई है। ठीक है, तो मैंने पहले सोचा था कि स्लीव्स मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगा दूँ जो मैंने नेक के लिए सोची है, लेकिन फिर वो छोटी बहुत हो गई थी स्लीव्स, इसलिए मैंने दूसरी स्ट्रिप्स जो बची है एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें से निकाल ली। अब इसे जल्दी जल्दी समेटते हैं और दिखाते हैं आपको फुल लुक के। ये जो है हमारी मना है, मतलब कि जो कपड़ा है वो कैसे कैसे शेप्स में है, क्योंकि मैंने आपको हाफ हाफ लुक्स दिखाया है, इस वजह से मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी इसका। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट टू बिगिनिंग। तो हमने वी शेप का गला काटा था, तो इसी के हिसाब से हम ना उल्टी पट्टी स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हम ना जो रॉन्ग साइड है उस पर हम ना पहले तो रॉन्ग साइड रख के, मतलब नीचे सीधा कपड़ा रख के रॉन्ग साइड ऊपर होगा, ठीक है, पट्टी का हम स्टार्ट कर देंगे और हाफ नेक तक करेंगे। फिर हाफ नेक तक हम डिफरेंट पट्टी इस्तेमाल करेंगे। आप पूरा पूरा ट्यूटोरियल दिखेगा, मैंने एक चीज़ आपको समझाई अच्छे से। का डिज़ाइन तैयार हो गया और डोरी वगैरह भी। तो बाकी की जो चीज़ें थी वो मैंने अपलोड करनी थी, लेकिन क्या हुआ था, मेरी मोबाइल की मिस्टेक्स की वजह से वो डिलीट हो गई। तो इस वजह से जो मैंने मेन चीज़ थी, जो गले की चीज़ जो मेरे पास सेफ रह गई थी, तो मैंने आपको
अपलोड कर दी और आपको बता दी कि कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।